1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Here I'm back with आप सबका फेवरेट वीडियो, वो है मीशो से। आपको मीशो हॉल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और इस टाइम पे मैंने ऑर्डर किए हैं टोटल 11 आर्टिकल्स फ्रॉम मीशो। इसमें मोस्ट ऑफ कुर्तीज है और एक दो कुर्ता सेट्स है जो मुझे बहुत प्यारे लगे थे, मैंने वो ऑर्डर किए थे। मैंने सोचा कि मेरे काम में आ जाएंगे, दैट्स व्हाई। और आज का हॉल वीडियो ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि नवरात्रि आ रही है और मुझे पता है मैं ऑफिस में जाती हूँ तो 9 days 9 color के आउटफिट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और ना 9 articles बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके पास कुछ आर्टिकल्स ऑलरेडी रहेंगे, कुछ कलर्स और कुछ कुर्तीज मैं दिखाऊंगी आपको जो 9 colors में रहेंगे। सो हमारा आज का वीडियो टोटली डेडिकेट है नवरात्रि के 9 colors के ऊपर। 9 colors में वन बाय वन यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी इस टाइम के 9 colors कौन से हैं। और वैसे ही 9 colors मैंने मंगवाए हैं बट क्वालिटी का मुझे नहीं पता है तो हम ट्राई करेंगे। वैसे तो मैंने थोड़े बहुत चेक करके ऑर्डर किए हैं बट पता नहीं कैसे आए हैं, हमें चेक करना पड़ेगा वन बाय वन। मैं स्टाइल करके भी बताऊंगी आपको। और या चलो स्टार्ट करते हैं। Guys, one more thing that I want to tell you, मैंने थोड़े से चेक करके, मतलब उसके ऊपर तो नाम लिखा था, मैंने थोड़ा फाड़ के देखा है क्योंकि मुझे ये वाली सीरीज के हिसाब से आपको सब दिखाने हैं 9 colors और उसके बाद में 2 kurta sets देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है मीशो पे। तो टोटल 11 articles है। सो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये आर्टिकल। इसमें पैक ऑफ 2 आए हैं, शायद से मैंने एक ही सेलर से 2 articles मंगवाए हैं और मेरा जो मिनिमम प्राइस है वो कुछ 298 rupees है और मैक्स टू मैक्स 700 तक है क्योंकि कुर्ता सेट जो मैंने मंगवाया है वो 700-750 का है। बट ऑलवेज ऑलमोस्ट सभी कुर्तीज आपको 300-350 के रेंज में ही है। सो ये वाला फर्स्ट हम ऑरेंज कलर देखते हैं। मैंने देख के इमेज में देखना अच्छा लग रहा था और इसको आप अच्छे से स्टाइल भी करोगे तो और भी प्यारा लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये ऑरेंज वाला दिखाती हूँ। इसमें साइजेस भी अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो बट फैब्रिक कैसा है दैट मैटर्स अ लॉट। इसमें 4 colors भी है अलग अलग। एकदम डिसेंट सी कुर्ती है, आपको ऐसा वाला नेक मिलेगा, उसके बाद में ऐसे ट्रांसपेरेंट से स्लीव्स है, यहाँ पे कुछ डिजाइन बना हुआ है, पीछे से कुछ ऐसी लग रही है। इसकी जो खास चीज है ना वो है इसका ये नीचे वाला फ्लेयर जो कि काफी प्यारा लग रहा है। लेंथ वाइज मुझे अच्छी लग रही है, इसकी स्टिचिंग वगैरह भी मुझे काफी अच्छी लग रही है, मतलब अच्छे से स्टिच हुआ है ठीक ठाक। सो इसकी स्टिचिंग वगैरह भी मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको बटन्स दिए हुए हैं। सो एकदम डिसेंट सी बट आपको ऐसा थोड़ा फेस्टिव वेयर भी वाइब देने वाली है क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी सी शाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो आराम से। सो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लग रही है। इसके अंदर अस्तर भी लगा हुआ है, यू कैन जस्ट सी, अस्तर भी अच्छा है नॉर्मली जैसे अस्तर होते हैं। बट अब फिटिंग वाइज मुझे कैसी आती है क्योंकि आर्म्स में वगैरह टाइट हो जाती है, लुक कैसा आता है मैं इसको पहन के आपको दिखाती हूँ उसका स्टाइल, लुक एंड फिट। इस कुर्ते का कुछ ऐसा लुक आ रहा है, पहली बात करूं तो मुझे फिटिंग वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्लीव्स देखो कितने प्यारे हैं, एकदम जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे है। यहाँ पे ये जो डिजाइन बना है और सिर्फ 358 rupees में ये कुर्ती मिल रही है जो कि बहुत ज्यादा प्यारी ट्रेडिशनल वाइब दे रही है। अगर आप चाहो तो इसके नीचे शरारा भी, मतलब ये एस टाइप में पैंट भी पहन सकते हो अगर आपके पास है तो, या फिर आप लेगीज भी पहन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। इवन आप कुछ भी, मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल है बस मैच करके पहनना कि कैसे लग रहा है। सो मुझे काफी प्यारा लगा, इसके अंदर अस्तर भी लगा हुआ है और ये जो प्रिंट बना है ना ये जाएगा नहीं। सो ये काफी प्यारा लग रहा है। सो आई एम इम्प्रेस विद दिस कुर्ती, काफी प्यारी है और इतने कम प्राइस में। इसमें कलर्स भी अवेलेबल है, आप कोई और कलर के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मेरी इनसे यस है इस कुर्ती के लिए और साइड में आपको वेयर करके भी दिखा रही हूँ कि कैसे लग रही है और सबके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट कुर्ती देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा कुर्ता है ये वाला है, एक्चुअली ये कुर्ता सेट है, मतलब इसको इसके साथ में आपको बॉटम वेयर भी मिलेगी विच इज रियली गुड। और इसमें ना 4 colors थे, मैंने व्हाइट मंगवाया क्योंकि मुझे ये पैटर्न काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था और ऐसे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी है। इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है, प्राइस सिर्फ 330 rupees है। इसमें एल साइज एक्सेस साइजेस अवेलेबल है, बस फैब्रिक अच्छा होना चाहिए। जो चीज मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी ना मैं हाईली रिकमेंड करूंगी और सबके लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंक कॉमेंट्स में मिल जाएंगे तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। हाँ फैब्रिक तो अच्छा लग रहा है यार।
सो इसका कुछ ऐसा सा ट्रांसपेरेंट सा नेक है, यहाँ पे पूरा ऐसे राउंड में नेक दिया हुआ है, उसके बाद में ऐसे कुछ स्लीव्स है जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, और लंबा चौड़ा सा वो कुर्ता है। एक्चुअली में इसका स्टाइल मुझे काफी प्यारा लग रहा है, फैब्रिक सॉफ्ट है और पैसों के हिसाब से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास व्हाइट कलर में कुछ और मतलब नहीं है तो ये बहुत प्यारा आर्टिकल है 350 रुपए में। इसकी बॉटम वेयर दिखाती हूँ, बॉटम वेयर कुछ ऐसी है, यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है, देन उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा नीचे अगेन डिजाइन बना हुआ है, ये ऐसा डिजाइन है, यहाँ पे कट्स लगे हुए हैं और ये मशीन से कट्स लगे हुए। ओके, 330 के हिसाब से मुझे ये ठीक ठाक लगा है। मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ, कुछ कमियां रहेंगी तो जरूर बताऊंगी। चलो वेयर करके आती हूँ। सो गाइस, पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है वाइट कलर की कुर्ती। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके स्लीव्स पे, आप देखना ये मशीन वर्क हुआ है, मतलब मशीन से एक प्लेन फैब्रिक पे कट्स लगाए हुए हैं, बाकी अलग सा इसमें कुछ नहीं है। सेम आपको प्लेन एकदम सिंपल सा कुर्ता सेट मिलेगा, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पैजामे का फैब्रिक होता है वैसा सा सेम फैब्रिक है, सेम फैब्रिक आपको मिलेगा। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ये, इसलिए मैंने अंदर ब्लैक ब्रा पहनी है ताकि आपको समझ में आए कि कितना ट्रांसपेरेंट है, बीट ऑफ ट्रांसपेरेंट। आप वाइट कलर की कोई भी इनर पहन सकते हो, 300 रुपये के हिसाब से ठीक है, मतलब मैं इसको नहीं बोलूँगी कि बहुत सुंदर है, बहुत बकवास है, ठीक है। अगर आपको बहुत नीड है वाइट कलर की कुर्ता सेट की, इसके साथ जा सकते हो। अभी हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इसकी इमेज देखना यहाँ पे, ये रेडिश मरून कलर में है और इसकी प्राइस सिर्फ 354 रुपीज़ है। इसमें 4 कलर्स भी अवेलेबल है, इवन स्मॉल से लेके एक्सल तक साइजेस भी अवेलेबल है। और देखते हैं, देखो मुझे वैसे तो काफी प्यारा लग रहा था, ये थोड़ा सा मैंने अलग मंगवाया है। अब फैब्रिक कैसा है, क्या कैसा है, मैं आपको टोटल बताती हूँ। सो सबसे पहले ये कुछ ऐसा सा इसका नेक है, यहाँ पे अच्छी खासी डिजाइन बनी हुई है, जॉर्जेट का फैब्रिक है, ट्रांसपेरेंट से स्लीव्स है और यहाँ पे अगेन इन्होंने डबल स्टिचिंग किया हुआ है। स्टिचिंग वैसे मुझे फाइन लग रही है और यहाँ बीच में कट्स बने हुए हैं तो ये काफी प्यारा लग रहा है, बट साइड में कोई भी कट्स नहीं है। ये कुछ ऐसा अनारकली टाइप में है, इसके साथ में बॉटम वेयर नहीं है, दुपट्टा है और ये कुछ ऐसा दुपट्टा है। एक बात बोलूं, दुपट्टा भी ठीक ठाक है बट इसकी जो स्टिचिंग है मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखना ऐसे कौन स्टिचिंग करता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये दुपट्टे का स्टिचिंग, बहुत ज्यादा बेकार स्टिचिंग किया हुआ है दुपट्टा। ड्रेस काफी अच्छा स्टिच है, सो आपके ऊपर डिपेंड है। चलो इसको वेयर करके ही दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे अभी तक कुर्ता तो ठीक लग रहा था बट फिट और लुक कैसा आता है वो पहनने के बाद ही पता चलेगा। चलो वेयर करते हैं। फर्स्ट थिंग तो आप इस कुर्ते की नेक देखो, डिज़ाइन देखो, इतनी ज़्यादा सुंदर लगी है कि मैं आपको बोल नहीं सकती, देर इज़ नो वर्ड्स। मुझे नहीं लगा था कि स्टार्टिंग में कि ये इतना सुंदर लगेगा, बट ये सच में बहुत प्यारा कुर्ता सेट है। इसके स्लीव्स बहुत प्यारे हैं, लॉन्ग स्लीव्स है, नेक पे डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है। इसके साथ में आपको बॉटम वेयर नहीं मिलेगा, इसका दुपट्टा इतना अच्छा नहीं है, बट सिर्फ कुर्ती की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, अगर आप इस टाइप में कोई कुर्ता देख रहे हो तो जस्ट गो विथ इट, दुपट्टे को इग्नोर कर दो, बट कुर्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देखो इसके फ्लेयर कितने अच्छे हैं, कलर बहुत सुंदर है, एकदम डिसेंट सा और सस्ते में आपको अच्छा कुर्ता मिल रहा है, कहीं से भी कट नहीं है, जो कि कम प्राइस के कुर्ता सेट में होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो हमारा कुर्ता सेट है वो 323 रुपीज़ का है। यहाँ पे इमेज देखना, मैंने कोई भी कुर्ती ज़्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं मंगवाई है, क्योंकि नॉर्मली भी हम ये सभी जो कलर से इसको यूज करने में आनी चाहिए और क्वालिटी अच्छी रहेगी तो ही मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगी। सो ये कुछ रॉयल ब्लू कलर में है, इसमें साइजेस भी है और इसमें कलर्स भी है। ये कुर्ती से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है मुझे और अच्छी रहेगी तो मैं बताऊंगी। वाओ, क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। देखो यहाँ ऐसा कुछ नेक है, यहाँ पे बीच में बटन्स दिए हुए हैं, ये डिजाइन मुझे काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, इमेज में भी अच्छा लग रहा था। ये कुछ ऐसे स्लीव्स है और यहाँ पे अनारकली टाइप में पैटर्न बना हुआ है, साइड से आपको इसमें कट्स नहीं है बट ये पूरा अनारकली साइड टाइप में है, पूरे आपको बीच में ऐसे बटन्स मिलेंगे। मुझे इसका फैब्रिक बहुत प्यारा लग रहा है, रेयॉन है, सॉफ्ट है, बॉडी पे बहुत अच्छा रहेगा और यह कलर भी काफी प्यारा है। मुझे कुर्ती काफी प्यारी लग रही है, पता नहीं पहनने के बाद कैसी लगेगी, मैं अच्छे से स्टाइल करने की कोशिश करूंगी इसको। चलो वेयर करके आपको दिखाती हूँ।
गाइज लुक एट दिस कुर्ती, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। इसके नेक पे जो डिज़ाइन बना हुआ है, इट जस्ट वाओ, बहुत फाइन फिनिशिंग है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। नीचे से फ्लेयर ऐड करने के लिए बहुत अच्छे से उसको स्टिचिंग किया हुआ है। अब मैं पूरी कुर्ती आपको दिखाती हूँ। पहली बात तो आप देखो, बीच में बटन्स लगे हुए हैं बट ये ओपन नहीं होते हैं, ये बस स्टाइल के लिए दिखा है, बट काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। नीचे से थोड़ा कट है, कुर्ती की लेंथ काफ़ी अच्छी है और जो कलर उभर के आ रहे हैं, पूरा होल कुर्ती मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रही है। फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, फ्लेयर बहुत सुंदर है। पीछे से मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी, पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है और इसकी लेंथ एंड एवरीथिंग अच्छी लग रही है। इसके साथ में कोई भी प्लाजो या फिर लेगीज आप वेयर कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। आप पीछे से देखना, बहुत सुंदर फ्लेयर ऐड ऑन हुआ है और पूरा जो कुर्ता है जैसे मेरे एक्सपेक्टेशंस थे बिल्कुल वैसा आया है। प्योर कॉटन का मटेरियल है और ये थोड़ा सा कड़क वाला कॉटन है तो काफ़ी अच्छा रहता है, आप इजीली इसको प्रेस करके पहन सकते हो। बहुत प्यारा लगता है और ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत सुंदर कुर्ता सेट है। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट कुर्ती है ये वो वाली कुर्ती है, येल्लो कलर है इसका, मस्टर्ड येल्लो कलर है और इसकी प्राइस सिर्फ 302 रुपीज़ है। इमेज में काफ़ी प्यारी लग रही थी, इसमें इवन साइजेस भी बहुत ज़्यादा, ट्रिपल एक्सल तक साइजेस अवेलेबल है विच इज़ रियली गुड। और देखते हैं कैसी आई है, 300 रुपये में क्या भेजा है मीशो ने हमें। कुर्ती का फैब्रिक काफ़ी प्यारा लग रहा है, यहाँ पे आपको प्रिंटेड ऐसी वाली डिज़ाइन मिलेगी जो कि अच्छी लग रही है और स्टिचिंग वगैरह भी अच्छे खासी हुई है। यहाँ पे पूरा कड़क में डिज़ाइन बना हुआ है, दोनों साइड से ऐसे है, फिर बीच में आपको इस टाइप में डिज़ाइन मिलेगा। आप देखना कितना प्यारा लग रहा है। इवन इसके साथ में आपको पीछे से टाई करने के लिए नॉड भी दिए हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप फिट कर सकते हो। वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देखो ना कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग, मतलब मैं इम्प्रेस हुई हूँ ये वाली कुर्ती से भी। पहनने के बाद वो तो पहन के पता चलेगा, बस 302 रुपये में इतनी प्यारी कुर्ती मिल रही है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। आगे दिखाती हूँ पहन के लुक कैसा आ रहा है। ये कुर्ती कुछ ऐसी लग रही है, फर्स्ट थिंग दैट आप इसका प्रिंट देखना, काफी प्यारा वर्सेटाइल कलर है। यहाँ पे छोटे से पॉम्पॉम लगे हुए जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, पूरे साइड से दिए हुए हैं और मैंने बोला था ये नॉट पीछे से बांधने के लिए है, बिल्कुल भी नहीं है। साइड से आपको ऐसे दो नॉट्स मिलेंगे और आपको इसको टाई करना है, मैं आपको टाई करके दिखाती हूँ। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग की इसको जरूरत नहीं है, ये कुर्ती मुझे लूज है और मैंने अंदर पैडेड ब्रा भी पहनी है इसलिए वो थोड़ा सा वो लग रहा है, बट नॉर्मली ये कुर्ती काफी लूज है। सो ऐसे इस टाइप में अगर हम दोनों साइड से इसको टाई करते हैं तो काफी अच्छा इसका फिट आता है। इसकी स्लीव्स देखना, बहुत सारे मल्टी कलर में इसके स्लीव्स है जो कि कड़क है और ये कॉटन का फैब्रिक है। पूरा पीछे से मैं इसका लुक दिखाती हूँ, देखो इमेज में जैसी थी वैसी लग रही है, कलर बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफी प्यारी लग रही है। दोनों साइड से ये डोरी दी हुई है सो जो कि यूनिक है, काफी अच्छा लग रहा है। पीछे से इसका लुक देखना, पीछे से कुछ ऐसी लग रही है, प्लेन सी डिसेंट सी कुर्ती है और आपको क्या चाहिए। मैंने इसी शरारा सेट के साथ इसको वेयर किया है फिर भी ये काफी प्यारी लग रही है। आई नो थोड़ा सा शरारा सेट का कलर थोड़ा सा अलग है बट बहुत, मुझे पर्सनली कुर्ती की बात करूं कुर्ती बहुत ज्यादा प्यारी लगी और मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये भी कुर्ती। इसके फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉटन, ये नीचे का कॉटन प्लस रियॉन लग रहा है मुझे, ऊपर का पूरा प्योर कॉटन है ये वाला डिजाइन और ये नीचे का मुझे कॉटन और रियॉन का फैब्रिक लग रहा है। वो बहुत सॉफ्ट है बॉडी पे, वॉश करने के बाद में भी थोड़े से स्लू टाइट हो सकते हैं क्योंकि ये कड़क में है और यह काफी प्यारी है, मुझे आपको रिकमेंड करूंगी। चलो नेक्स्ट कुर्ती देखते हैं। नेक्स्ट कुर्ती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 477 रुपीज है और इसका एप्पल ग्रीन कलर है जो कि हमारा 5th डे पे या फिर 6th डे पे आ रहा है, मैं साइड में दे ही दूंगी। सो वो कलर की कुर्ती है और इसमें साइजेस भी अवेलेबल है, इसमें कलर्स भी अवेलेबल है, देखते हैं कैसी है। ये मुझे ट्रेडिशनल लग रही थी, इसके ऊपर जरी का वर्क हुआ है दैट्स वाई ये थोड़ी एक्सपेंसिव है और जैसे मॉम की साड़ीज होती है ना जरी वाली वैसी है। अगर आपको ट्रेडिशनल टाइप में कुर्तीज देख रहे हो ना तो काफी प्यारी है, देखो आपको बीच में इस टाइप में डिजाइन बना हुआ है, कलर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और इसके बाद में ऐसे कुछ स्लीव्स मिलेंगे, साइड पे कुछ ऐसा डिजाइन है। मुझे कुर्ती बहुत ट्रेडिशनल लग रही है और पूरा ऐसे जरी का वर्क इस पे हुआ हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन काफी प्यारा लग रहा है और नीचे से इस टाइप में कांट बने हुए हैं जिसका डिजाइन काफी प्यारा लग रहा है। आप पीछे से इसका लुक देखना, मुझे ये कुर्ती काफी प्यारी लगी है। मतलब ये आपको ट्रेडिशनल कुर्ती, इसके नीचे बस कुछ लेगीज या फिर प्लाजो पहन लो, बहुत प्यारी लगेगी। इसका फैब्रिक बहुत सुंदर है और इवन इसके अंदर
अस्तर भी दिया हुआ है जो कि बहुत प्यारा है। तो मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगी, प्राइस के हिसाब से मुझे अच्छी लगी, बट लुक वाइज कैसे लगती है वो मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ आगे। सो गाइस ये कुर्ती देखना आप, यहाँ पे ये तीन बटन लगे हुए काफी प्यारे लग रहे हैं, इवन इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसके कुछ थ्री क्वार्टर स्लीव्स है। अब मैं कुर्ती पूरी दिखाती हूँ आपको। सो ऐसा कुछ लुक आ रहा है इस कुर्ती का, फिटिंग में मुझे काफी अच्छे से आई है, बट यहाँ पे स्लीव्स में आप यहाँ पे देखोगे ना मुझे टाइट लग रही है, एंड देन इसकी लेंथ भी काफी है, मतलब बाकी की कुर्ती जो ऑरेंज वाली देखी थी मैंने यहाँ तक लेंथ थी, इसकी लेंथ ज्यादा है। और मुझे वो वाली कुर्ती, ये दोनों भी एक ही ब्रांड से आई है, एक ही सेलर से आई है, सो दोनों के कंपेरेटिवली मुझे वो वाली कुर्ती बहुत ज्यादा प्यारी लगी। इसमें दो चीजों की बहुत बड़ी दिक्कत है, फर्स्ट थिंग दैट इसके स्लीव्स बहुत टाइट है, ऊपर टाइट नहीं यहाँ पे टाइट है यहाँ पे, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट लग रहे हैं। दूसरी चीज, इस कुर्ती के जो स्लीव्स हैं इतने ज्यादा चुभ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे इसको पहन के खड़ी हूँ, बहुत ज्यादा अंदर से चुभ रही है। यहाँ पे अस्तर लगा है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चुभ रही है, बट जो स्लीव्स है इतने ज्यादा चुभ रहे हैं कि आप बेयर नहीं कर सकते हो। सो यही एक रीजन है इस कुर्ती को ना बोलने का, पीछे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है, बट लुक कैसा भी आए मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा। सो बिग नो है, उसकी प्राइस भी 400 समथिंग है, तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी ये वाली कुर्ती। लुक वाइज कैसे भी लगे, कंफर्ट वाइज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो हम नेक्स्ट कुर्ती देखते हैं, बट ऑरेंज वाली बहुत ज्यादा प्यारी है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है वो आ रहा है 7th पे आ रहा है ग्रे कलर, और ग्रे कलर में मैंने 300 समथिंग इसकी प्राइस मेंशन कर ही दूंगी। अगेन इसकी प्राइस 330 रुपीज है, ग्रे कलर की कुर्ती है, इमेज में काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी और तो मैंने इसको ऑर्डर किया। आई डोंट नो फैब्रिक और कैसा आएगा सब कुछ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफी प्यारी लग रही है, आप देखना, वाओ इसका डिजाइन, इसका नेक कितना प्यारा है। मतलब मुझे ग्रे कलर आजकल कुछ ज्यादा पसंद आता है, इसके स्लीव्स पे भी ये वाला डिजाइन बना हुआ है, और आपको पूरी ऐसी प्लेन में बीच बीच में आपको डिजाइन मिलेगा इस टाइप में। इसमें ना प्रॉपर कांच तो नहीं लगी है, बट जो पेपर वर्क होता है ना सिल्वर कलर का, वो लगा हुआ है, और आपको पूरे कट्स पे इस टाइप में डिजाइन मिलेगी। इसकी लेंथ भी मुझे काफी अच्छी लग रही है, इवन पीछे से पूरा प्लेन कुर्ता है, मुझे लगता है ये मुझे बहुत लूज होगा, ये मुझे बहुत बड़ी साइज भेजी इन्होंने, डबल एक्सल, शायद से इसमें साइज अवेलेबल नहीं रहेगी या फिर जो भी है, बट कुर्ती मुझे काफी प्यारी लग रही है। सो मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ, 330 रुपए में इतनी प्यारी कुर्ती है, नेक देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर इसके बाद में इसके स्लीव्स यहाँ पे इस टाइप में डिजाइन बना हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। मैं पूरी कुर्ती आपको दिखाती हूँ। आई नो दैट ये कुर्ती बहुत ज्यादा लूज है, मुझे मैंने पीछे से ऐसे टाई किया हुआ है। सो बात करते हैं अभी इसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, रेयॉन का फैब्रिक है, बट थोड़ा सा मोटा मटेरियल है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा मोटा है। इसके स्लीव्स पे जो डिजाइन बनी है, बीच बीच में जो डिजाइन बनी है, काफी प्यारी लग रही है, और साइड में भी आपको सेम डिजाइन मिलेगी जो कट्स पे मिलेगी, और ये बहुत फाइन वर्क हुआ हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा चीप वर्क नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपने 200-300 की कुर्ती पहनी है। और इसके साथ में आप कोई भी ब्लैक कलर की लेगीज कैरी कर सकते हो, अगर सेम कलर का रेड कलर की भी लेगीज कैरी कर सकते हो, बहुत प्यारी लगेगी। मुझे लूज हुई है, बट अगर मैं फिट की बात करूँ तो मतलब एक साइज कम पे जाती थी तो मे बी मुझे अच्छे से फिट होती थी, और लेंथ भी काफ़ी अच्छी लगी। सो मुझे ऐसा जिस कुर्ती में कुछ नाम रखने जैसा नहीं लगा, मुझे बहुत प्यारी लगी, सो आपको रिकमेंड करूंगी। और चलो नेक्स्ट कुर्ती देखते हैं कि कैसे क्या है। 8th डे पे आ रहा है, वो है पर्पल कलर, और पर्पल कलर की कुर्ती किसे नहीं पसंद है। इसकी इमेज देखना, इमेज में भी इतनी प्यारी लग रही थी, ऊपर से इसमें 8 कलर्स है, इसमें ट्रिपल एक्सल तक साइज अवेलेबल है, और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है, 298 रुपीज है। वाओ, 298 में अगर कुर्ती अच्छी मिली तो और क्या चाहिए हमें। तो और इसमें ना एम्ब्रॉयडर्ड वर्क भी इन्होंने दिया था, सो लेट्स सी कि कैसी आई है। ओके, वाओ, देखना आप इस पे वर्क बना हुआ, ये पूरा मशीन वर्क बना है, कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये इसके स्लीव्स है, स्लीव्स पे ऐसे बारीक सा डिजाइन बना हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसका जो क्लोथ का मटेरियल दिया है वो कॉटन दिया है इन्होंने, और वैसे अच्छा भी लग रहा है, प्रॉपर कड़क वाला कॉटन है, सो बहुत प्यारा लगेगा। मुझे कुर्ता काफी इंप्रेसिव लग रहा है, इवन ये कलर भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत प्यारा लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है इसको वेयर करके। बस मैचिंग कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो मैं अच्छे से इसको रेडी कर मतलब पहन के दिखाने का ट्राई करूंगी। चलो इसको वेयर करके इसका पूरा लुक फिट आपको दिखाती हूँ।
ये कुर्ती सिर्फ 298 रुपीज की है और जैसे मुझे एक्सपेक्टेशंस थे, देखो आप इसका नेक कितना प्यारा लग रहा है, उसके बाद में यहाँ पे जो स्टिचिंग हुई है काफी फाइन लग रही है और इसके स्लीव्स भी मुझे काफी प्यारे लगे, ऐसा वाला डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है। अब इसकी फैब्रिक की बात करते हैं, फैब्रिक कॉटन है और ये बहुत ऐसे अच्छी लग रही है मुझे, जैसे मुझे लगा था पहले भी कि ये काफी प्यारी लगेगी, 300 रुपए की कुर्ती काफी प्यारी है। इसके कट्स जो है ना यहाँ से है सो वो भी काफी प्यारे लग रहे हैं, जिनका भी थोड़ा वो टमी रहेगा तो इसमें दिक्कत भी नहीं आएगा और ये जैसे जिस हिसाब से बनी है आई जस्ट लव दिस। आपके पास कुछ व्हाइट में बॉटम वेयर है तो उसके साथ में आप बिल्कुल वेयर कर सकते हो, व्हाइट लेगीज के साथ भी अच्छी लगेगी। मैंने तो इसी शरारा सेट के साथ में ट्राई की तो भी मुझे काफी प्यारी लग रही है। मैंने सोचा था मैं सब स्टाइल करके दिखाऊंगी, फिर बाद में सोचा कि बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा, सो मैं आपको सिर्फ कुर्ती ही दिखा रही हूँ कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। सो मुझे काफी प्यारी लगी ये वाली कुर्ती, इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हो। ये पर्पल कलर तो मुझे काफी प्यारा लगा, मैं पीछे से इसका लुक दिखाती हूँ, देखना कैसे लुक और फिट में आई है। हाँ, और ये मैंने एल साइज में मंगवाई है सो मैं ये चीज आपको बोल देती हूँ, मेरी हाइट 5'6" है तो मुझे हाइट में ये इतनी आ रही है, सो मुझे काफी प्यारी लगी, वेरी इंप्रेसिव कुर्ती। सो मेरी इनसे बिग यस है दिस कुर्ती के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज, अभी जो हमारी नेक्स्ट कुर्ती है वो है 9th Day की और उसका जो कलर है वो बॉटल ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर आ रहा था। सो मैंने इस पे एक कुर्ती देखी, इसमें इमेज देखना, एक्चुअल में इसके इमेज में यहाँ पे जो नेक है उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, दैट्स वाई ये मैंने मंगवाई। बहुत डिसेंट सी है, इसका प्राइस भी बहुत कम है, 328 रुपीज की है। इसमें मीडियम टू डबल एक्सल तक साइजेस अवेलेबल है और मुझे इसका नेक ही अच्छा लगा तभी मैंने इसको ऑर्डर किया है। सो आपको दिखाती हूँ, फैब्रिक छूते के साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये जॉर्जेट का मटेरियल है और इसका नेक, ये जो नेक था ना इसको देख के मैंने ऑर्डर किया था, काफी प्यारा लग रहा है। और इसके कुछ स्लीव्स है, ऐसे स्लीव्स है, देखो स्लीव्स पे भी ऐसा डिजाइन बना हुआ है, ये स्लीव्स थोड़े ट्रांसपेरेंट है, अंदर आपको अस्तर लगा हुआ मिलेगा, पूरी कुर्ती आपको प्लेन मिलेगी और इसके अंदर जो अस्तर है वो यहाँ तक लगा हुआ है, आप देख सकते हो। वैसे मुझे इतने कम प्राइस में इसका फैब्रिक एंड डिजाइन सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है एक्चुअल में ये कुर्ती का, बस फिटिंग अच्छा होना चाहिए क्योंकि कभी कभी मीशो के कुर्तीज में फिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वेयर करके दिखाती हूँ। चलो, से मेरे एक्सपेक्टेशंस थे, देखो ये कुर्ती का नेक कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा उभर के आ रहा है, इसके स्लीव्स देखना बहुत प्यारे लग रहे हैं, फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जॉर्जेट है ये कुर्ती, मुझे लूज एंड नो डाउट बट थोड़ा फिटिंग के बाद अच्छी लगेगी। और एक साइज कम जाना चाहिए था, ये मुझे एल साइज में आई है, शायद से मुझे एम साइज पे जाना चाहिए था। अब बात करते हैं कलर की, मैंने मंगवाया था ये वाला ग्रीन कलर और मुझे रिसीव हुआ है ब्लू कलर, समझ में नहीं आ रहा है ये ब्लू, मतलब एकदम सा ब्लू भी नहीं है, ये मोर पंखी कलर रहता है, जो मोर पीस रहता है इसके बीच में जो कलर रहता है उस टाइप में थोड़ा डार्क शेड है और बट मुझे कुर्ती बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत प्यारी है, नीचे ये वाला डिजाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने नीचे इसके साथ में भी, ये प्लाजो तो मेरे हर ड्रेस के साथ जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, ये मैंने अमेजोन से लिया था, इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बहुत वर्सेटाइल है। और एक बार मैं प्लाजो भी बता देती हूँ, बहुत सुंदर सा प्लाजो है ये और मैंने इसीलिए लिया है कि ताकि मैं बहुत सारी कुर्तीज पे ड्रेसेस पे इसको वेयर कर सकती हूँ। अब बात करते हैं कुर्ती की, पीछे से का लुक देखना कितना प्यारा लग रहा है, ये जो डिजाइन बना हुआ है ये सिर्फ फ्रंट से है बट एक डिसेंट सी बहुत प्यारी सी कुर्ती आपको मिल जाएगी इतने कम प्राइस में। और इसमें कलर अगर सही दे देते ना तो फिर चल जाता था ये, अगर आपको ये कलर पसंद है इसके साथ जा सकते हो, इसमें चार और कलर्स अवेलेबल है वो भी बहुत प्यारे प्यारे हैं और मेरी इनसे यस है इस कुर्ती के लिए, बहुत प्यारी है, बिना कुछ सोचे आपको पसंद आ रही है तो ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज, अभी तो हमारे 9 Days के 9 कलर्स कवर हो गए हैं बट जो मैंने दो बोला था दो कुर्ता सेट जो मुझे बहुत प्यारे लगे थे, सो ऑन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे भी थे मीशो पे, तो मैंने सोचा कि इसको मंगवा के देखते हैं कैसे है। ये वाला शरारा सेट मैंने मंगवाया है, उसकी प्राइस सिर्फ 447 है तो मुझे तो ट्राई करना ही था, इसमें साइजेस भी है स्मॉल टू लेके डबल एक्सल तक और ये अभी हमें रिसीव हुआ है, देखते हैं कैसा आया है, प्राइस के अकॉर्डिंग कैसा है सब कुछ देखेंगे। ओके, सो फैब्रिक जो है वो कॉटन और जॉर्जेट लग रहा है मुझे, सो ऐसा कुछ इसका नेक है, ये कुर्ती ऐसी कुछ लग रही है, इसके ऊपर पूरा डिजाइन बना हुआ है और इस पे यहाँ पे लटकन भी लगे हुए हैं, यू कैन जस्ट सी कुछ तो है, इसे बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं बट ये लगे हुए हैं। और इस पे जो वर्क हुआ है ना ये पूरा प्रिंटेड वर्क है और पूरे कुर्ती पे मिलेगा आपको। ओके, ये शॉर्ट कुर्ती है, पीछे से कुछ ऐसा इसका
डिजाइन है, और सबसे अच्छी चीज को आपको ये वाले जो लटकन है ना यहाँ पे भी मिलेंगे। सो ओवरऑल कुर्ती देखने के साथ बहुत प्यारी लग रही है। कुछ चीज है जो मुझे बोलनी है, मैं आगे बताती हूँ, पहले मैं इसकी बॉटम दिखाती हूँ अभी। सो बॉटम वेयर काफी ज्यादा बड़ी लग रही है मुझे, इलास्टिक है इस पे और काफी अच्छा शरारा है। सो पूरा शरारा भी पूरा भरा हुआ है। सो सिर्फ आपको शरारा मीन्स कुर्ता और शरारा मिलेगा, इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है। अब जो चीज मुझे लग रही है ये है 447 रुपीज की। फैब्रिक इसका अच्छा है, लुक वाइज बहुत प्यारी है, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है ना आप देख सकते हो, ये आपका डिजाइन जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे, एक वॉश में तो नहीं जाएगा, 10 वॉश में भी नहीं जाएगा, बट धीरे धीरे ये जो डिजाइन है ना ये कम होती जाती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है अगर आपको इसको लेना है तो। जो चीज है वो मैंने आपको बोली, चलो इसको वेयर करके इसका लुक और फिट आपको दिखाती हूँ। सो गाइज कैन यू जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल नेक पे जो डिज़ाइन बना हुआ है, देन लटकन लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जो साइड में भी इन्होंने सेम लटकन दिए हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, नो डाउट इसमें सब कुछ अच्छा है दिखने के लिए, बट इसकी प्रिंट जा सकती है वो चीज़ है। लूज़ बहुत ज़्यादा है, और लूज़ की बात नहीं है, इसमें जो फिटिंग आ रही है ना वो मुझे इतनी अच्छी नहीं आ रही है। अब बात करते हैं इसके प्लाजो की, मेरी हाइट 5'6" है, 5'6" के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा कम हुई है हाइट में। मैंने पैंट बहुत ज़्यादा लोअर पे पहनी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जब मैं उसको ऊपर ले लूँगी पैंट को तो फिर ये कितनी हो जाएगी। सो मैं अभी लोअर पे पहनी थी, अब मैं ऊपर पे पहनूँगी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रही है। 5'2" हाइट है जिनकी, उनको आ सकता है, उनसे कम हाइट में भी आ सकता है, बट इतनी ज़्यादा हाइट के लिए नहीं है। सो मेरी एंड से इसके लिए कोई सजेशन नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना वो भी मीशो पे इतना ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसका लुक बहुत ज्यादा प्यारा है। और आपको अगर येलो वाला वो वाला कुर्ती पसंद नहीं आई, वैसे वो भी बहुत प्यारी थी, आपको कुर्ता सेट चाहिए तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और इसकी प्राइस सिर्फ 729 रुपीज है। तो मैं आपको वन बाय वन चीजें दिखाती हूँ। ये पूरा कुर्ता सेट मिलेगा आपको 729 में। आप देखना ऐसा प्लेन सा इसका नेक है, कुछ ऐसे ऐसे स्लीव्स है, अंदर आपको इसमें अस्तर दिया हुआ है जो कि कॉटन का है, विच इज रियली गुड, और राउंड सा आपको नेक मिलेगा। सो ये पूरा कुर्ता आपको प्लेन मिलेगा, उसके साथ में ये बॉटम वेयर मिलेगा। बॉटम वेयर कुछ ऐसा सा इलास्टिक है, लेंथ काफी अच्छी है, यहाँ पे अगेन आपको एक पट्टी मिलेगी, स्टिचिंग बहुत प्यारी है, इसका कलर बहुत प्यारा है, मस्टर्ड कलर है ना, आपके जो स्किन है ना उसको ग्लो करता है, बहुत प्यारा लगता है एक्चुअल में। और जो ड्रेस है ना उसमें पूरी जान डालता है ये वाला दुपट्टा, कि बहुत प्यारा सा दुपट्टा है, मल्टी कलर में है, मीन्स इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप देख सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये होल में जब पहनूंगी तो बहुत प्यारा लगेगा, मैं वेयर करके दिखाती हूँ। सो गाइस अभी हम इस कुर्ते की बात करते हैं। पहली बात तो आप इसका नेक देखना कितना ज्यादा फाइन लग रहा है, इसके स्लीव्स देखना बहुत ज्यादा बॉडी पे, मतलब इसकी फिटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है, और ये मैंने मीडियम साइज में मंगवाया है फिर भी मुझे इतने अच्छे से फिट हुआ है। एक्चुअली मेरी साइज ही मीडियम है, बट पता नहीं मीशो से कभी कभी क्लोथ ज्यादा टाइट आते हैं तो मैं एल साइज प्रेफर करती हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट मैं आपको पहन के तो दिखा पाऊँ, तो बाद में रिप्लेस तो हो ही जाएंगे। अब इसकी फिटिंग की बात करते हैं तो काफी अच्छे से फिट हुआ है, और क्वालिटी बहुत ज्यादा सुंदर है कुर्ते की। आप पीछे से इसका लुक देखना, प्रॉपर मतलब सुंदर सा कुर्ता आया है, और मस्टर्ड कलर है ना हर किसी पे अच्छा लगता है, मतलब डस्टी स्किन हो या फिर आपकी फेयर स्किन हो फिर भी अच्छा लगता है। लेंथ यहां तक आ रही है, बॉटम वेयर बहुत ज्यादा प्यारी है, देखो आपको देखने के बाद इतना प्यारा नहीं लगेगा बट जब वो वेयर करोगे ना तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, और ये मीशो पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। अभी बात करते हैं इसके दुपट्टे की, वाह मतलब दुपट्टा इस पे 4 चांद लगा रहे हैं, मैं सच बोलूं तो बहुत सुंदर आर्टिकल है ये। अगर आपको ऐसा कुछ लेना है तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हो, इसमें और एक कलर अवेलेबल है वो भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। आपको दुपट्टा थोड़ा सा कैरी करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बस आप एक पिनअप कर दो, क्योंकि ऑर्गेन्जा दुपट्टा बहुत ज्यादा फॉल हो जाता है, वो चीज है, बट इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सुंदर है, हल्दी के लिए फिर और भी कुछ फंक्शंस के लिए आप इसको पहन सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ येलो कलर हल्दी में पहना जाता है। मुझे मस्टर्ड कलर बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है मस्टर्ड कलर के, और
या मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, 750 का है बट बहुत ज्यादा प्यारा है, वर्थ इट है। इसके अंदर आपको अस्तर भी मिलेगा जो कि यहां तक है वो भी कॉटन का है, तो बॉडी पे बहुत अच्छे से फिट होता है। मैंने ड्यूअल पैडेड वाली ब्रा पहनी है तो थोड़ा सा यहाँ पे शेप थोड़ा अलग आ रहा होगा, बट फिर भी इतनी अच्छे से मुझे बहुत मुझे बताया कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ये कुर्ता सेट, और ये थे हमारे पूरे 11 कुर्ता सेट, मुझे बहुत सुंदर लगा। इस टाइम पे कलेक्शन काफी ज्यादा सुंदर होता है, मीशो ने फ्रॉड नहीं किया है हमारे साथ में। आई होप कि आपको मेरा होल जो हॉल वीडियो था आपको पसंद आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि जो भी ट्रेंडिंग है उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ। आप मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हो, और फ्लिपकार्ट के भी वीडियो आने बाकी हैं, अभी तो बहुत फेस्टिव सीजन है, तो मैं ट्राई करूंगी कि शरारा घरारा ये सभी चीजें लेके आऊँ, कुछ वेस्टर्न भी आएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून रहना, वीडियो एंड तक देखना, आपके जो भी रिव्यूज रहेंगे प्लीज मुझे कॉमेंट्स में लिखना, तो मुझे पता चलेगा, कुछ अपडेट रहेगा तो वो मैं जरूर करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मच लव।